types and varieties of social conflict this is the topic for this session and we are going to evaluate that what are the major types and varieties of social conflict under the philosophy of ralph the problem of conflict is no less complex than that of integration of societies यानी जहाँ हम सोसाइटीज़ की इंटेग्रेशन को समझ समझना चाह रहे हों तो उसी तरीके से हमें यह भी देखना है कि वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों आता है अगर कॉन्फ्लिक्ट ओवरकम होगा तो ज़ाहिर है सोसाइटीज़ इंटेग्रेट होंगी तो पहले अगर डिवाइडिंग फोर्सेस को समझ लिया जाए तो फिर उसके बाद इंटेग्रेशन को समझना आसान भी होगा और मुमकिन भी हो सकता है So uh, we now know that the attempt to reduce all occurring conflicts among social groups to the common principle, say that classes, they actually matter. That if there is class system in any society, then definitely there will be a social conflict, and it leads either to empty. जर्नलाइजेशन सच एज़ एवरी सोसाइटी एक्सपीरियंस सोशल कॉन्फ्लिक और टू एम्परिकली अनजस्टिफाइबल ओवर सिंप्लीफिकेशन्स सच एज़ दिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटीज फार हैज़ बीन हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल अब अगर हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात शुरू करें तो आमतौर पर अकॉर्डिंग टू रेल्फ बहुत सारी जर्नलाइज किस्म की स्टेटमेंट्स का हमें सामना करना पड़ता है मसलन हर कोई कहेगा कि माशरों के अंदर सोशल कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है तारीख भी ऐसी बहुत सारी मिसालों से भरी पड़ी है बट वट आर द मेजर टाइप्स एंड वट आर द मेजर रियालिटीज़ द सर्टन रियालिटीज ऑफ दिज सोशल कॉन्फ्लिक्ट आर टू आंसर दिस क्वेश्चन ही बेसिकली हाईलाइट टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टसोजीनियस एंड द एंडोजीनियस अब विद रिगार्ड To every society, basically, he uh, tries uh, to apply these to uh, certain types of uh, conflicts uh, that uh, the exogenous. Uh, one could say that there are exogenous conflicts brought into a from the outside, and there are endogenous conflicts generated within a. Now, कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो माशरों के अंदर वो सोसाइटी के अंदर ऐसे जन्म लेते हैं जिसकी रीज़न्स जो हैं वो आउटसाइड से आती हैं और फिर वो सिस्टम के अंदर आकर कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करती हैं लेकिन कभी ये भी होता है कि ये दोनों कैटेगरीज़ जो हैं ये मिलकर, ये इकट्ठे काम करें और कहीं ऐसे भी हो सकता है कि हम इनको अलहदा आलहदा कर दें कि कॉन्फ्लिक्ट की जो रीज़न्स हैं किसी वक्त मुशरे के अंदर से ही जन्म लेती हैं के अंदर मौजूद होती हैं और कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से कभी दोनों कंबाइंड हो जाते हैं लेकिन कभी दोनों अलहदा आलहदा तरीके से भी ऑपरेट करते हैं अब अगर हम इसको तफसील से समझना चाहें या इसको हम इनकी हकीकी स्पिरिट को समझना चाहें तो हम ये बात अब आसानी कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है दैट स्लेव्स वर्सेस फ्रीडम समटाइम्स समीगरोज वर्सेस वाइट्स ठीक है बाज़ात प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक्स दीज ऑल आर द अपोजिंग ग्रुप्स बट दे ऑल डज़ नॉट फॉल इन टू अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट अब ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये वेस्ट के अंदर अफ्रीका के अंदर यानी डिवेलप वर्ल्ड में भी हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में भी हैं कैसे कि अगर कोई मजहबी तो फरक़ात हैं अगर नस्ल की बुनियाद पर आपस में अख्तलाफ है माशरे के अंदर तो क्या कहा जाएगा कि वो इख्तलाफ क्या बाहर से आया है या वो सोसाइटी के अंदर से जन्म लिया है यानी बाज़ात अख्तलाफात या सोशल कॉन्फ्लिक्ट की जो नेचर होती है वो किसी एक सोसाइटी तक स्पेसिफ़िक नहीं होती वो पूरी दुनिया के अंदर उसकी कुछ ना कुछ सर्टन रूट्स मौजूद होती हैं कहीं पर कोई वो इख्लाफ ज़्यादा शिद्दत से मौजूद होता है कहीं शिद्दत जो है वो वेरी करती है ठीक है तो ऐसे ही हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी जगह पर लोग आज़ादी हासिल करना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग उस आज़ादी के मुखालिफ हैं तो अब इस सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखा जाएगा कि क्या वो बाहर से उसको कोई सपोर्ट कर रहा है अब लोगों का अंदरूनी मामला है कि अगर वो मुतमिन नहीं हैं और वो निज़ाम को बदलना चाहते हैं तो वहाँ वो लोगों के साथ उनकी जो निज़ाम के साथ जो एफिलिएशन है उस पर क्वेश्चन रेज होगा ये भी निज़ाम माशरे को तो माशरे के अंदर ये भी वेरी करेगा यानी बहुत सारे ऐसे सवाल जो किसी भी माशरे के अंदर जन्म लेते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास माशरे के अंदर ही मौजूद हो बल्कि ये भी हो सकता है कि उसकी रीज़न जो है वो मुख्तलिफ़ माशरों में हो और हर जगह पर वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट अपनी किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद हो ऐसे ही वन वी यूज़ to classify or uh, uh, this uh, we want to understand this classification then the uh, we have to understand the objects of contention the structural origin of the conflicting groups and then definitely uh, that what type of results they have yani agar hum social conflict this के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रिजल्ट क्या रहा अब अगेन ये कहा जा सकता है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट की नेचर कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न वेरी करती हैं ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट भी वेरी कर सकता है यानी किसी जगह पर उस कॉन्फ्लिक्ट का जो आउटकम है वो कुछ और बरामद हो सकता है लेकिन किसी और माशरे में किसी और निज़ाम में किसी और रियासत में उसी कॉन्फ्लिक्ट का जो आउटकम है या रिज़ल्ट है वो उससे बहुत मुख्तलफ भी हो सकता है जो किसी एक जगह की केस स्टडी हो सो वी कैन से देट देर आर वाइटी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्स एज वेल एज देर आउटकम इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्राम स्टेट टू स्टेट और फ्राम सोसाइटी टू सोसाइटी